हेलो, भिंडी आज हम बनाएंगे भरवा। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये देखिए, ये 200 ग्राम भिंडी है, कुछ बेबी ओनियन है, और ये नमक, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच खटाई, एक चम्मच पीसी लाल मिर्च, और इसमें धनिया भून के पीस ली हुई है एक चम्मच सौंफ पाउडर भुना पिसा, और ये है एक चम्मच बेसन, और मस्टर्ड ऑयल में हम इसको बनाएंगे। भिंडी को ऊपर नीचे का हिस्सा निकाल के हमने इसको अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसमें इसको इस तरह से पाड़ लिया है। ये नमक है, इसमें हल्दी पाउडर, सौंफ, धनिया, खटाई पाउडर, पीसी लाल मिर्च। अब इस सब मसाले को हम मिला लेंगे। ये भिंडी इस तरह से हमने फाड़ी हुई थी, मसाला अच्छी तरह से मिला लेंगे। भिंडी हमें मीडियम साइज की या छोटी लेनी है, बहुत बड़ी भिंडी नहीं लेनी है। और इस तरह से हम इसमें मसाला भरेंगे। सारी भिंडियाँ इसी तरह से भर ली हैं। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगता है, और फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। सभी भिंडियों को इस तरह से लगा लेंगे। ये ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें बेबी प्याज डालेंगे। सेकेंड बाद अब हम इसमें 15 सेकेंड बाद अब इसमें बेसन डालेंगे। और बहुत नहीं भूनेंगे, फिर हम अपनी भिंडी डाल देंगे। अब इसको हम ढक देंगे, बीच बीच में चलाएंगे। आंच इसकी धीमी रखनी है। आहिस्ते से चलाएंगे और देखिए कितनी बढ़िया भिंडी लग रही है। और इसको बहुत जल्दी जल्दी चलाएंगे, वरना जलने का डर रहता है। भिंडी पक गई है और प्याज भी पक चुका है। अब हम इसे खुले में ही मीडियम आंच में फ्राई करेंगे थोड़ी देर, तो ये क्रिस्प हो जाएंगे। भिंडी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें कलर आ गया है। अब इसको सर्व करेंगे। हमारी भिंडी बेसन वाली भरवा तैयार हो गई है। अब अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए,